देसी कलाकार। नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीकेबी द्वारा प्रस्तुत देसी कलाकार इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नागपुर के कलाकारों तक उन तक आपको पहुंचाना है जिन्होंने इस क्षेत्र में यानी कि कला इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। इसमें सिंगर्स, डांसर्स, बैक स्टेज आर्टिस्ट ऐसे कई सारे लोगों से हम मुलाकात करते हैं और आज एक बहुत ही जाना पहचाना नाम आज हमारे साथ है जो संगीत विशारद है और नृत्य में भी विशारद है, उसकी संस्कृत भी बहुत अच्छी है और सबसे खास बात 2007 में आने वाले सारे गामा पा में भी उसने शिरकत की थी जो मराठी चैनल का था, और ऐसी मंजरी वैद्य हमारे साथ है। तो मंजरी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अमोल। मेरा हमेशा से ही पहला सवाल यही होता है कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि देख देख के सीख जाते हैं, कुछ लोगों के घर में वातावरण ऐसा होता है कि वो लोग वैसे बन जाते हैं, आपकी शुरुआत कैसे रही? मेरे घर में ही गाना था क्योंकि मेरी जो नानी है, मेरी आजी, वो एक प्रस्थापित शास्त्रीय गायिका थी रायपुर में, श्रीमती कमल केलकर। तो उनके वजह से घर में एक जो कहते हैं कि हेरिडिटरी जो आता है वो तो था ही, लेकिन मैंने गाना नहीं सीखा था शुरुआत में। मैंने पहले कथक से शुरुआत की थी क्योंकि नेचुरली वो एक होता है कि हाँ बड़े कुछ कहीं कुछ कुछ हॉबी क्लास में डालना है करके, तो उस तरीके से पहले कथक की शुरुआत हुई। कथक सीखते सीखते धीरे धीरे जब समझ में आया कि इसके साथ में हमें और भी कुछ एक ही कला सीखकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसके साथ में जब संगीत आना शुरू हुआ, कथक में थोड़ा जब आगे पहुँचे तो समझ में आया कि नहीं, इसमें संगीत या गाना भी आना ज़रूरी है और आवाज़ थोड़ा बहुत तब था, तो इसीलिए फिर उसके बाद एक्चुअली गायन गाना शुरू हुआ। और फिर पता नहीं क्या हुआ तो कि डांस पीछे रह गया और गाना सामने आ गया। हाँ, बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये विशारद भी है कथक में और हमने शायद, मैंने तो कभी नहीं देखा, पता नहीं कितने लोगों ने देखा। वही हुआ है कि वो पीछे हो गया और गाना आगे आ गया, तो अब उसकी प्रैक्टिस भी छूट गई है तो शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि थोड़ा टाइम लगता है आदमी को, जैसे आपको भी थोड़ा समय लगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ, तो वो कौन सा समय था कि जब आपको लगा कि नहीं यार डांस नहीं गाना करते, ये करियर भी इसमें कर सकते हैं या फिर इसमें आगे भी बढ़ सकते? टर्निंग पॉइंट 12th में जब मैं थी तब हुआ यूँ कि मैंने 12th में भी म्यूज़िक लिया हुआ था, तो पढ़ाई साथ साथ में चल रही थी। और जब मैंने एक्चुअली, मैं बताऊँ क्या अमोल क्या हुआ कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि आप हर सब्जेक्ट के दो पहलू होते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, right? तो थ्योरी बोरिंग लगती है लोगों को और प्रैक्टिकल बहुत मज़ेदार लगता है, यूजुअली जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। मेरे मामले में ये हुआ कि जब मैंने थ्योरी पढ़ना शुरू किया, कुछ लोगों के जीवन चरित्र जैसे भातखंडे पलुस्कर, ये जो बड़े बड़े संगीतज्ञ थे, तो जब इनके बारे में पढ़ना शुरू किया कि ये लोग ऐसा करते थे, दिन दिन भर किताबें पढ़ के बंदिशें बनाते थे, रियाज करते थे, तो ये पढ़ के मैंने सोचा यार ये तो बड़ा मज़ेदार कुछ है कि यानी 10 घंटा रियाज, 12 घंटा, ये होता क्या है, ये तो बड़ा कुछ अच्छा लग रहा है। तो हुआ उल्टा ट्रांसफॉर्मेशन कि थ्योरी पढ़ के मुझे लगा कि नहीं इसे करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। गाने की शुरुआत मेरे जीवन में थोड़ी देर से हुई, मतलब गाती थी मैं बट नॉट ऐसे कि कुछ करना है, 12th के बाद ही गाना शुरू हुआ। लेकिन फिर उसमें जो एक आनंद आने लग गया कि पता नहीं चला कि वो कथक छूटा कब और ये कब अपना बन गया। ऐसा होता है कि आजकल की जनरेशन की मैं बात करूँगा कि कल उन्हें एक्टर बनना है, परसों उन्हें डायरेक्टर बनना है, फिर DOP बनना है, फिर सिंगर बनना है। तो मंजरी के बारे में बता दूँ, जितने भी काम किए सब में मास्टर्स है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन किया, दो दिन किया फिर अच्छा लगा, सब में मास्टर्स है। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहा, इतनी सारी चीज़ें तुमने मैनेज कर ली, म्यूजिक भी कर रहे हो, डांस भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहा है सर। और घर वाले क्या बोल रहे थे, भाई कुछ एक तो कर ले? हाँ वो तो है कि घर वाले तो मतलब दोनों छोड़ के कुछ और ही करो करके कह रहे थे, क्योंकि हम लोग शायद जिस जनरेशन से तुम और मैं जिस जनरेशन से आए हैं, उस जनरेशन में आई डोंट थिंक पेरेंट्स ये बोलते थे कि हाँ हाँ ठीक है गाना सीखो, सिंगर बनो। आज जिस तरीके से हम रियलिटी शोज में देख रहे हैं कि पेरेंट्स मतलब बाप रे, बच्चे के चप्पल
को भी पहनाने के लिए खड़े रहते हैं कि भैया तू स्टेज से उतर, मैं तुझे चप्पल पहनाऊंगा। इस तरीके के पेरेंट्स का सब आई मीन नॉट दैट कि सपोर्ट इस तरीके का उनको मिल रहा है, मुझे नहीं याद है कि इस तरीके का सपोर्ट, हाँ उन्होंने मना कभी नहीं किया बट सपोर्ट नहीं था भी नहीं बोलूँगी, बट ऐसे कुछ बहुत कि हाँ हाँ तुम करो, कुछ होगा तो देख लेंगे। तो इस तरीके का वातावरण हमारे यूजुअली हमारे घरों में नहीं होता था आर्ट्स के लिए या संगीत या नृत्य के लिए। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, चैलेंजिंग रहता है, लेकिन एक बार वो लिंक हमें हाथ में आ जाती है ना कि हमें ये करना है, तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला बराबर रास्ता दिखा। पहले की एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, तो अब ये चेंज हो गया। अब माँ बाप बोलते बेटा जाओ ग्राउंड पे, हाँ। जाओ तुम थोड़े डांस के क्लासेस करो। करेक्ट। कमर्शियली कब पहली बार मंजरी स्टेज पर आई, याद है तब कौन सा पहला गाना गाया था, और कमर्शियली कब मंजरी को पहचान मिली? कमर्शियली मैंने बहुत ख़राब गाया था पहली बार, तो मैं बता दूं, और मैं काफ़ी दिन तक खराब गाती रही और मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में। मैंने किसी से शायद एक कहीं कुछ बात सुनी थी कि अपने आप पे हंसना और अपने आप का मजाक बनाना सीखो तो आप सक्सेसफुल रहोगे। तो मुझे याद है, मैं अभी भी वो बात मानती हूँ कि मैं बहुत ख़राब गाती थी। इनफैक्ट मैं जब रियलिटी शो में गई तभी भी मैं खराब गाती थी, पता नहीं उन्होंने क्या देख के सिलेक्ट किया मुझे। मतलब हो सकता है कि उस वक्त मैं अच्छा गा गई, पर मैं मुझे तब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं था कि अच्छा गाना किस पैरामीटर में बैठता है या किस तरीके की आवाज़ होनी चाहिए। बस गाना बिठा लिया, कुछ प्रैक्टिस कर लिया, चले गए। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद एक्चुअली वो जर्नी शुरू हुआ कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से डिटेलिंग करके हमारा आवाज़ ठीक हो सकता है, सुधर सकता है। पहला कमर्शियल परफॉर्मेंस आई थिंक मैं 12th में थी, तब हुआ था कहीं साइंटिफिक हॉल में, पता नहीं लोगों ने तो बहुत वाहवाही लूटी, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं। गाना कौन सा था? कोई मराठी गाना होगा, एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, कोई मराठी गाना ही होगा। तो मंजरी ने इस सवाल को कट करके ये बता दिया कि मैं वो गाना नहीं गा सकती, क्योंकि वो खराब गाना गाया था। वो गाना अच्छा था, शायद मैंने बहुत खराब गाया था। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं कि मंजरी हमारे शो में आई और मंजरी को ऐसा लग रहा हो कि मैं बच जाऊंगी, ये मुझसे गाना नहीं गवाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, गाना जरूर गवाएंगे। कई सारे शोज मंजरी ने कर लिए, अभी तो मंजरी खुद भी बच्चों को पढ़ाती है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो अच्छा करते हैं वो अपना ज्ञान दूसरों को देता है, बहुत अच्छी बात है। अब तक लगभग कितने शोज हो गए होंगे और अच्छे यादगार शोज कौन से हैं उसमें से? शोज की गिनती सच में नहीं है, मतलब ये सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ तो हर कोई ऐसे बोलता है ये बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब वो ना वो हिसाब किताब रखने वाले हैं बहुत, यहाँ एक साल के इतने साल के, मुझे ना वो मैंने कभी किया, मैं पहले करती थी बहुत, जब नया नया शुरुआत हुआ था तो लिखती थी सब एक एक एक, बट अब वो पूरा ही गिनती नहीं रहा। यादगार शोज बहुत रहे हैं। रिसेंटली हमने 2 साल पहले पैंडेमिक के पहले हमने आशा भोसले का मराठी गीत का प्रोग्राम किया था, तो वो नागपुर में पहली बार इस तरीके का एक प्रोग्राम होता कि 5 सिंगर्स थे, 5 गायिकाएं एक स्टेज पर, सारी प्रस्थापित गायिकाएं थी। तुमको मालूम ही है कि जिस तरीके के शोज अभी नागपुर में चल रहे थे उस दौर में इस तरह, हाँ बहुत अलग थे, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उस दौर में हमने एक प्रोफेशनल शो लोगों के सामने प्रेजेंट किया और पूरा मराठी प्रोग्राम वसंतराव देशपांडे हॉल में। थोड़ा सा हमको ये लग रहा था कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे, टिकट शो था तो लोग टिकट लेने को भी नहीं करते हैं, तो वो एक शो बहुत यादगार शो था। एक शो मैंने किया था 2017 में राग रंग गीत संग, जिसमें क्लासिकल और लाइट दोनों का मैंने, हाँ फ्यूजन नहीं था, शास्त्रीय संगीत अलग था और लाइट म्यूजिक अलग था, बट उसमें डॉक्टर भावे, डॉक्टर सुधीर भावे जो हमारे नागपुर के बहुत ही जाने माने साइकाट्रिस्ट हैं, उन्होंने उस प्रोग्राम का कंपेयर किया था। वो दो मुझे अभी एज ऑफ नाउ याद आ रहा है कि वो बहुत टेक्निकली एंड प्रोफेशनली बहुत पॉलिश्ड शोज रहे ऐसा मुझे लगता है। इस जर्नी में ना कई सारे लोगों के साथ हम मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ स्टेज शेयर करते हैं, ऑब्वियसली तुम भी गा रही हो, शोज कर रही हो, तो कई सारे लोगों के साथ स्टेज शेयर किया होगा। ऐसे में अगर 3 नाम मंजिल से पूछे जाए कि वो कौन से 3 लोग थे जिनके साथ स्टेज पर गाना गाने में बड़ा मजा आता है? 3 नाम लूंगी तो बाकी के नहीं, नहीं मैं सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ, नागपुर के ऊपर हम एंड में आएंगे शो के एंड में। सेलिब्रिटीज़ में शंकर महादेवन जी के साथ में एक बहुत पहले एक प्रोग्राम हुआ था, हालांकि हम लोग कोरस में थे, वी वर वेरी यंग, हम लोग छोटे भी थे उस वक्त, पर उन्होंने जिस तरीके से मोटिवेट किया हमको कि यस यू कैन डू इट, कम ऑन गर्ल्स यस, तो वो जो उनका जो उनका चेहरे पे जो वो एक एनर्जी और पॉजिटिविटी था वो देख के बहुत मज़ा आया था। और
और मेरे ख्याल से उपेंद्र भट्ट आए थे एक बार यहाँ नागपुर में, वो भीमसेन जोशी के सीनियर डिसाइपल, उनके साथ मैंने डुएट गाया था बाजेरे मुरलिया और राम का गुणगान। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था कि आप बेटा अच्छा कर रहे हो और करते रहना सिंगिंग करके, तो वो दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से याद हैं। दायरा थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, कई सारे लोगों को हम सुनते हैं, कई सारे लोगों को एडमायर करते हैं, उनके जैसा गाने की, उनके जैसा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। गाने तुम कई सारे लोगों के सुनते, तो मैं चाहूँगा कि 80s और 90s के दौर के वो कौन से सिंगर है जो तुमको पसंद है, और अगर लेटेस्ट में पूछा जाए तो वो कौन है, मेल फीमेल कोई भी चलेगा। 80s आई थिंक SP बालासुब्रमण्यम, और मेरे लिए तो SPB आई मीन उनके जैसा कोई सिंगर ही नहीं हुआ है, बिकॉज आवाज़ की जो उनकी डेप्थ है और जिस तरीके से वो शब्दों को फेंकते हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेशन देते हैं, SP बालासुब्रमण्यम इज़ वन एंड ओनली, उनके जैसा शायद कोई नहीं होगा। 80s और 90s की अगर हम बात करें तो उदित नारायण का मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, कभी मिलूँगी तो सीधा पैरों में गिर जाऊँगी, मुझे उनका आवाज़ बहुत पसंद है। तो ये दो मेरे लिए ये तो मेल हो गए, फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल सिंगर आई थिंक साधना जी, साधना सरगम का मुझे अच्छा लगता है। और अगर मैं अभी रिक्वेस्ट करूँ मंजरी से कि एक गाना सुनाओ, तो मंजरी किसका गाना सुनाएगी फिर हमें? डिपेंड करता है कि सांदण्यात फिरताना, सांदण्यात फिरताना माझा धरलास हात, सांदण्यात फिरताना माझा धरलास हात, सखया रे आवर ही सावर ही सांदरा, सांदरा। क्या बात है, मेरा सौभाग्य है कि मैंने मंजरी के साथ स्टेज शेयर किया, और ये बहुत चुलबुली और बबली है, मतलब टेंशन कभी होता नहीं बैक स्टेज में, एंड लाइव सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, जो लोग सुनते हैं मंजरी को शोज में देखते हैं, और अलग टाइप का एक किरदार है मैं कहूँगा। सारेगामा पा में भी तुमने परफॉर्म किया, जर्नी कैसे रही, वो क्या डिफरेंस लगता है पहले के शोज अभी के शोज? बहुत फ़र्क है, मुझ में ही फ़र्क आ गया है, मैं मुझे लगता है कि मुझ में ही ट्रांसफॉर्मेशन में, सारेगामा से वापस आई तो आई वॉज अ चेंज्ड पर्सन ऑल टुगेदर, बिकॉज वहाँ पे मैं देखो अमोल, हमको अगर बुराई निकालनी है ना तो हम हर चीज़ में निकाल, इस कुर्सी से मैं बुराई निकाल सकती हूँ कि ये किस तरीके की कुर्सी तुमने लाई है, तो ये कहना, सब लोग आके पूछते हैं कि रियलिटी शोज तो बकवास होते हैं, ये वो वट एवर होते होंगे, पर मैं ये सोचती हूँ कि व्हेन आई एम हियर टुडे, तो उसमें से मैंने ये देखा कि मैंने क्या हुआ कि जिसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, कुछ तो अच्छा होगा ना। राइट ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर आप गए क्यों वहाँ? अगर आपको जाना ही, अगर आपको उसे नाम ही रखना है तो आप मत जाइए। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ से अगर आपको बैकलैश भी मिल रहा है, अगर आपको वहाँ से लोग बॉयकॉट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में भी कुछ कमी है, इसलिए आपको लोग कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, 99% नहीं होगी, लेकिन 1% तो आप में कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी तो आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। उस वक्त मुझे डेफिनेटली बुरा लगा था जब मैं वहाँ से बाहर आई थी, लेकिन ये नहीं था कि मुझे क्यों निकाल दिया, मुझे पता था कि मैंने ख़राब परफॉर्म किया है, और मैं जब यहाँ आई तो बहुत लोग थे कि अरे तुमको निकाल दिया, तुम तो इतना अच्छा, ये तो ऐसा वैसा, सब ठीक है, लेकिन हमें भी अगर हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं ना, तो हम उस बबल में हमेशा जीते रहते हैं कि ये तो बकवास है, वो तो बकवास है। यू नीड टू कम्पीट विद योर सेल्फ फर्स्ट, फिर आप बोलो कि ये गलत है वो गलत है, मतलब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप अपने आप से ही आगे निकल जाते हो। तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि हमें पहले तो टेक्निकली परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बाकी की बातें ना अपने आप हो जाती है, अगर वो आपके साथ में है ना तो हो जाती है, नहीं है ना तो कुछ भी आप कर लो, किसी का भी आप सिफारिश लेके जाओ, नहीं होता है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर
पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पूछता हूँ। 1.5 साल थोड़ा मुश्किल रहा होगा, कोरोना का कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं लोगों से मिलना, बातें करना, महीने में कम से कम 20-25 दिन शोज करना, अलग अलग एक आदत सी हो जाती है, एक रूटीन हो जाता है हमारा। इस खाली समय में तुमने क्या रिस्टार्ट किया, क्या नया सीखा, और सबसे खास बात, कैसे बिताया आपने ये समय? मुश्किल होता है क्या लगा रहा हूँ? बहुत मुश्किल था। पहले तो उसको डाइजेस्ट करना कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ में और वो एक्सटेंड हो रहा है। पहले मुश्किल था, डाइजेस्ट करना ही मुश्किल था, बट फॉर्चुनेटली मैं वही बोलूँगी कि उसका हाथ है हमारे सर पे। मेरी बेटी है छोटी, उसके साथ में मैंने समय बिताया। मेनली तो वो गोल्डन पीरियड था कि मुझे उसके साथ में समय बिताने मिला। उसका मैंने ग्रोथ देखा, जो एक 1.25 साल में जो उसने जिस तरह से वो बढ़ी, तो मैंने वो देखा। तो मेरे लिए बहुत अच्छा समय था वो। फाइनेंशियली हाँ, हम लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ, बट कैसा है कि कैसे करके कहीं से कुछ थोड़ा सेविंग और कुछ क्लासेस ऑनलाइन वर्चुअल ये सब कुछ करके वो टाइम निकल गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी उसमें कि अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना। अमोल, फाइनेंसेस भी मैनेज हो जाते हैं, खाना पीना भी हो जाता है, सोना, बाकी सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है। खुद को शांत रखना या खुद को ये कहना कि अभी और समय है, ये अभी नहीं होने वाला है, ठीक नहीं है, ये खुद को बताते रहना और खुद को शांत रखना, दिस वॉज वेरी टफ। मतलब मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि एक पॉइंट के लिए मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे किसी से जाके बात करनी चाहिए कि भैया मैं क्या करूँ, पर थैंकफुली मेरे घर में, परिवार में सब सपोर्ट करने वाले लोग हैं और बात करते रहते थे एक दूसरे के साथ में कि ठीक है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशंस फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में बातें चलती रही। और मेन तो बेटी थी यार, तो बेटी ने तो पूरा, हाँ, टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि हम लोग ऐसे होते हैं कि कब कहाँ रहेंगे, कब क्या करेंगे, किसी को पता नहीं होता, और समय मिला बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बिताने के लिए, तो इट्स अ वेरी गोल्डन पीरियड मैं कहूँगा। लोगों ने पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, समय अच्छा बुरा आते जाते रहता है। खास मतलब मुद्दे पर आते हैं कि मंजरी के खुद के क्लासेस भी हैं कई सारे बच्चों, और मंजरी बहुत अलग अलग टाइप के प्रोग्राम, मैं तो देखने नहीं जाता लेकिन सिर्फ फेसबुक से ही पता चल जाता है मुझे, तो अलग अलग टाइप के शोज़ करते रहती हैं हमेशा, कुछ नया करने की कोशिश करते। क्लासेस कब से शुरू किए, कब आया दिमाग में, और अब तक कितने बच्चों को ट्रेन कर दिए हैं? आई थिंक 2014 से शुरुआत की, थोड़ा थोड़ा, जस्ट एक बैच, दो बैचेस ऐसे करके। क्लासेस खोलना बहुत आसान है, एक बोर्ड लगा दिया ना बाहर, कंटिन्यूटी बहुत मुश्किल है। तो आपको फ़ोन आते रहते हैं, मैडम कितने बजे ये वो, उसको मेंटेन करना, उस डेकोरम के साथ मेंटेन करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली वेन यू आर परफॉर्मिंग, जब आपके स्टेज शोज हैं, आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उस तरीके से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो वो थोड़ा सा टफ अभी भी लगता है मुझे कि मैं कैसे उसको, मतलब कैसे मैनेज करूं स्पेशली आफ्टर मेरी बेटी के बाद में, पर घर वालों का सपोर्ट है, मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट है, तो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का पूछोगे तो अराउंड 100-120 के आसपास में स्टूडेंट्स अभी तक के मेरे पास पढ़ भी रहे हैं। कुछ वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं, ओवरसीज़ के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं और शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो ये एक तरीके का हमारा, मुझे लगता है कि मुझे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने, मुझे लगता है कि बेबी स्टेप्स से हम आगे बढ़ेंगे। आज नहीं कल लोगों को समझ में आएगा कि शास्त्रीय संगीत ही सब चीज़ का आधार है, और उसको करे बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, विदाउट बेसिक्स। ये जो स्टेज प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ये तो वो बात हो गई कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन हम US जाके प्रेसिडेंट को मिलेंगे, मतलब हमको ए ही नहीं मालूम है, हमको ए कैसे लिखते पता नहीं है, लेकिन हम वहाँ जाके बात करेंगे उनके साथ, बिल्कुल ये वो बात हो गई। अगला सवाल जो है मेरा थोड़ा पर्सनल है ऐसा मैं कहूँगा, और अब हम बात करते हैं हमारे नागपुर शहर।
नागपुर के संगीत क्षेत्र के बारे में क्या लगता है, कौन से वो लोग हैं जिनके गाने सुनने आपको बहुत पसंद? परफॉर्मेंस की बात नहीं करूँगा मैं, हमारे नागपुर में बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सभी अच्छा गाते हैं मैं कहूँगा, तो आपके फेवरेट कलाकारों की अगर बात की जाए, मेल फीमेल, कि उनका गाना सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है? पहले तो मैं क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करूँगी, तो मुझे मेरी गुरु डॉक्टर चित्रा मोड़क, उनका गाना मुझे बहुत पसंद है। कल्याणी देशमुख मैडम है, उनका क्लासिकल सिंगिंग बहुत पसंद है, बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत हाई लेवल की गायकी है उनकी। मतलब मुंबई पूना के ही आर्टिस्ट अच्छा गाते हैं ऐसा कहने वालों ने, इनको दोनों को अगर वो सुनेंगे तो उनकी राय ज़रूर बदल जाएगी। और सुगम संगीत में अगर आप पूछें तो वॉइस ऑफ किशोर सागर मधुमटके, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। जिस तरीके से वो स्टेज पर खड़े रह के गाने प्रेजेंट करते हैं और सुर में जो उनका सुरीला जो गाना है उनका, वो मुझे बहुत पसंद है। और फीमेल सिंगर्स में श्रुति चौधरी का आवाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छे से कैरी करती है गाने को, बहुत अच्छे से लेकर जाती है एक पॉइंट तक के। जैसे मैंने शुरुआत नहीं कहा कि आजकल के बच्चों को एक दिन एक्टर बनना है, एक दिन सिंगर बनना है, फिर डांसर्स बनना है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको सिंगर बनना है, तो मंजरी का जो ये कहूँगा मैं, मैसेज तो नहीं कहूँगा, मंजरी इतने साल से काम करे तो उसका खुद का एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है, तो अपने उस एक्सपीरियंस से मंजरी उन बच्चों को क्या कहना चाहेगी जो रियलिटी शोज में जाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं या फिर परफॉर्म भी करना चाहते हैं, कॉलेज में ही क्यों ना परफॉर्म हो, तो तैयारी कैसे करें वो बच्चे? देखिए वही है कि पहली बात है कि आपको शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो आप शास्त्रीय संगीत से करिए, और जिसके पास आप सीख रहे हैं ना उस पर विश्वास कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट वो है कि वो तो सर ऐसा कह रहे थे, फिर वहाँ YouTube में तो कुछ हमें और दिख रहा है। देखिए YouTube आपको गाइड कर सकता है, सिखा नहीं सकता। राइट वो मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको, बच्चा छोटा भी मेरे, मैं बच्चे का एग्जांपल मेरे मुंह में बार बार आता है क्योंकि बेटी छोटी है, तो उसको अगर कंफर्ट चाहिए तो वो टेडी को सिर्फ हक करके सो सकती है, टॉय को, लेकिन जब उसको एक्चुअल कंफर्ट की ज़रूरत है या उसे कोई सहलाने वाला चाहिए तो या तो उसके लिए माँ चाहिए या पिताजी चाहिए। तो ये गुरु जो है ना ये माँ और पिता जैसे होता है संगीत में, तो एटलीस्ट तो आपको, और वो YouTube है टेडी बेयर कि आपको टाइम पास करना है, थोड़ा सा खेल लिया फिर आ गए गुरुजी के पास वापस। तो ये क्या है कि लोग उस पर पूरा डिपेंड रहते हैं कि हमें उसी से हमें सीखना है, वो नहीं होता है। कोई भी आप जिनको भी आप गुरु कर मानते हैं, जिनके पास आप सीखते हैं, उन पर आप विश्वास रखिए क्योंकि वो आपको कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। ये ही नहीं हो रहा है आजकल, वो बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर ये चीज़ बोली गई है तो आपको वो चीज़ करनी है, और पेशेंस ही नहीं है, वो पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर रहेगा तो ही बच्चा या जो भी कुछ सीखना चाहता है, करना चाहता है, वो आगे बढ़ सकता है संगीत में। कई सारे लोगों के कई सारे सपने होते हैं, मैं कहता हूँ कि एवरीवन हैज़ अ ड्रीम, और वो चाहता है कि वो सपने पूरे। मंजरी ने भी ज़रूर कोई ना कोई सपना, कोई ना कोई अचीवमेंट सोचा कि ये मुझे ज़रूर पूरा करना है। कभी किसी ने पूछा नहीं, आज मैं पूछ रहा हूँ कि मंजरी को ऐसा क्या करना है? नहीं, आई थिंक पता नहीं ये लेवल में, यानी ये उम्र में बोलना चाहिए, आने के बाद में ड्रीम ये रहता है कि अब आफ्टर एटलीस्ट दिस पैंडमिक लगता है कि हेल्दी रहना है और बी फिट, हाँ फिट रहना है और अच्छा बच्चे को बड़ा करना है। और जितना हो सके, मुझे लगता है कि मैं नागपुर में हूँ, मुझे लगता है कि नागपुर का म्यूज़िक सर्कल जो है उसमें एनलाइटनमेंट ये आना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत का इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुँचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे ये चाहिए कि मेरे अकेडमी में 500 बच्चे आए, नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को ये समझ आए कि हमें शास्त्रीय संगीत ही सीखना है, उसके बाद बाकी बातें होती हैं। ये एक बार नागपुर में, हमारे शहर में अगर इस तरीके का माहौल आ जाए तो हम पूना बॉम्बे के कभी पीछे रह ही नहीं सकते, एक्चुअली हम है ही नहीं, लेकिन कुछ मामलों में हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि वहाँ जिस तरीके का माहौल है, वहाँ पर जिस तरीके का मैं कहूँगी एक संप्रदाय है लोगों का कि नहीं हम क्लासिकल ही सीखेंगे, हम बच्चों को विद्यालय भेजेंगे, वहाँ से एग्जामिनेशन देंगे, उसके बाद आगे की बातें, यहाँ पर वो प्रमोट नहीं किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। वो मुझे लगता है कि अगर मैं उसको बदल पाई तो शायद मैंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है, सब मुझे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बेस्ट विशेष है। एक सवाल पूछता हूँ उससे ही जुड़ा, अगला सवाल है, खाली समय में मंजरी क्या करती? बेकिंग बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत स्ट्रेस बर्स्ट करती है वो, जो पैटिंग एंड ये करने में, और उसको बार बार खोल के देखना अवन में कि बना कि नहीं, और फिर
इट इज आई डोंट नो वो बहुत बहुत रिलैक्सेशन इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत रिलैक्स हो जाता है माइंड उसमें. और बेकिंग पसंद है, कुकिंग बहुत पसंद है, और ऐसे लगता है कि ठेले वाली जितनी डिशेज हैं वो घर में बना सकते हैं. और हमेशा मेरा एक मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं कि कहीं भी जाके खाते इससे अच्छा मैं बना सकती हूँ. ये मेरा एक तकिया कलाम है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा मैं बना सकती हूँ. इससे जुड़ा सवाल था मेरा, लेकिन मंजरी ने मेरा सवाल ही बदल दिया. मुझे लगा मंजरी बोलेगी कि मैं गाना सुनती हूँ खाली समय पे. खाली समय में नहीं, मतलब वैसे तो दिन भर गाना चलते रहता है, खाली समय में ये है गाना और खाना साथ में चलना चाहिए. मेरे स्टूडेंट्स को पूछो आप. मंजरी को अगर पूछा जाए कि फेवरेट गाना कौन सा, डिफिकल्ट होता है किसी सिंगर के लिए. मुश्किल है, हाँ, बहुत डिफिकल्ट है. फिर भी अगर हमारे दर्शकों को अगर मंजरी कोई गाना सुनाना चाहती है आज इस मौके पर जब वो हमारे स्टूडियो में पहली बार आई है, तो कौन सा गाना सुनाएगी? एक फेवरेट तो कहना बड़ा डिफिकल्ट है, पर छोटी थी तब मासूम फिल्म बहुत अच्छी लगती थी. ओके. तो उसमें जो गाना था हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं. जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने हो मुस्कुराए तो मुस्कुराने के, कर्ज उतारने होंगे. हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा हो. मैं हमेशा कहता हूँ मंजरी को अगर सुनना है तो लाइव सुनिए, रिकॉर्डेड में कोई मजा नहीं. और आज की सिचुएशन जो है उस पर मेरे ख्याल से गाना एकदम सटीक बैठता है. आई होप मुझे तो बहुत मजा आया, मंजरी को भी आया होगा. हाँ, बहुत मजा आया, बहुत आप लोगों को भी हम मिले आज एक्चुअली. बिल्कुल बिल्कुल. और जो लोग हमें देख रहे थे उनको भी बहुत मजा आएगा. तो मंजरी थैंक यू सो मच, एक शॉर्ट नोटिस पर तुम आई और हमसे इतनी सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, बहुत मजा आया. तो आज के इस शो में बस इतना ही. अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मंजरी के लिए अगर कुछ लिखना है तो ज़रूर लिखिए, ढेर सारा प्यार जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए. और अगर आप GTPL या फिर ACN चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग यूट्यूब और फेसबुक पर भी हैं, जहाँ पर आप हमें सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ. लेकिन ऐसे ही हमारे नागपुर में बहुत सारे कलाकार हैं, अगले एपिसोड में ज़रूर किसी नए कलाकार से मिलेंगे. तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद का ध्यान रखिए. देसी कलाकार